जब भी कोई विमान उड़ान भरता है तो उसमें सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। उड़ान भरने से पहले विमान की सारी टेक्निकल चीजों को अच्छे से चेक किया जाता है, जैसे फ्यूल, इंजन और विंग्स आदि। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तमाम इंतजाम के बावजूद विमान हादसे के शिकार हो जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे हवाई हादसों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे जिंदा बचना मौत के मुंह से लौटने से कम नहीं। कहीं पायलट्स ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई तो कहीं किस्मत ने साथ दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। एयर कनाडा, जुलाई 1983 में जब एयर कनाडा की एक फ्लाइट ने उड़ान भरी तो कुछ समय बाद ही अचानक उसका फ्यूल खत्म हो गया। लगभग 41,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही विमान का तेल खत्म हो गया, लेकिन फ्लाइट के पायलट ने सूझबूझ से काम लेते हुए विमान में सवार 69 लोगों की जान बचा ली। बताया जाता है कि ग्लाइडर पेन उड़ाने का लंबा अनुभव रखने वाले कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन ने विमान को ग्लाइडर की तरह उड़ाते हुए एक रेसिंग ट्रैक पर उतार दिया। एयर कनाडा कनाडा की सबसे बड़ी एयरलाइन है। इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। ये स्टार एयरलाइंस की फाउंडिंग मेंबर है। यूएस एयरवेज, जनवरी 2009। न्यूयॉर्क से उड़ान भरते हुए इस विमान से कुछ पंछी टकरा गए, जिसकी वजह से विमान का पहले एक इंजन खराब हुआ, फिर दूसरे इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। इस विमान को पूर्व एयरफोर्स पायलट चेस्ली सुलेनबर्ग कमांड कर रहे थे। उन्होंने विमान को वापस एयरपोर्ट पर लाने की लाख कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आखिर में सुलेनबर्ग ने सावधानी के साथ विमान को हडसन नदी में उतार दिया। इस दौरान विमान में सवार सभी 155 लोगों को बचा लिया गया। यूएस एयरवेज एक अमेरिकी प्रमुख एयरलाइन थी जिसने स्वतंत्र रूप से तब काम करना बंद कर दिया जब फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 8 अप्रैल 2015 को यूएस एयरवेज और अमेरिकन एयरलाइंस के लिए एक ही ऑपरेटिंग सर्टिफिकेट दिया। इसका हेडक्वार्टर टैंप एरिजोना और यूनाइटेड स्टेट्स में है। एलओटी पोलिश एयरलाइंस, नवंबर 2011। पोलैंड का ये विमान जैसे ही उतरने वाला था तभी पायलट्स को पता चला कि विमान के पिछले पहिए नहीं खुल पा रहे हैं। काफी कोशिश करने के बाद लैंडिंग गियर नहीं खुल सका। इसके बाद पायलट्स बिना पहिए के खुले ही इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी में जुट गए। पायलट्स ने बड़े ही एहतियात से विमान को ड्रैग करते हुए लैंडिंग कराई। एलओटी पोलिश एयरलाइंस दुनिया की सबसे पुरानी एयरलाइंस में से एक है जो अभी भी संचालन में है। वारसा में स्थित इस एयरलाइंस की स्थापना 29 दिसंबर 1928 को की गई थी। इसके हेडक्वार्टर पोलैंड के वारसा में है। एंटोनोव AN-30, मई 2012। रूसी सेना का एंटोनोव AN-30 विमान प्राग में लैंडिंग की तैयारी कर रहा था तभी विमान में आग लग गई। लेकिन पायलट्स ने हिम्मत दिखाते हुए आग के गोले में तब्दील हो चुके विमान को पास के खेतों में उतार दिया। इस हादसे में 23 लोगों की जान बचा ली गई जबकि 7 जख्मी हो गए। इसकी पहली फ्लाइट ने 21 अगस्त 1967 में उड़ान भरी थी। इसकी रेंज 2630 किलोमीटर है जबकि वजन 15,590 किलो है। एशियाना एयरलाइंस, जुलाई 2013। एशियाना एयरलाइंस के एक विमान में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर लैंड करने से ठीक पहले उसके पिछले पहिए एयरपोर्ट और समुद्र के बीच बनी दीवार से टकरा गए। पायलट की गलती की वजह से हुए इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, लेकिन 314 लोगों की जान बच गई। एशियाना एयरलाइंस दक्षिण कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन है। इसका हेडक्वार्टर सियोल में एशियाना टाउन बिल्डिंग में है। 2018 में इसका डोमेस्टिक मार्केट में 90% हिस्सा और इंटरनेशनल मार्केट में 16% हिस्सा था। एयर कनाडा, मार्च 2015। भारी बर्फबारी के बाद हेलीफैक्स एयरपोर्ट उतर रहा विमान रनवे पर स्लिप हो गया। क्रैश लैंडिंग में 23 लोगों को चोट आई लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। बता दें एयर कनाडा कनाडा की सबसे बड़ी एयरलाइन है। टर्किश एयरलाइंस, मई 2015। इटली के मिलान शहर से तुर्की के लिए रवाना हुए टर्किश एयरलाइंस के एक विमान में अचानक आग लग गई। इस विमान में 97 लोग सवार थे। आग विमान के दाहिने इंजन में लगी थी, इसलिए पायलट्स ने जल्द से जल्द इस्तांबुल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई। रनवे पर फिसलता हुआ विमान बड़ी मुश्किल से काबू में आया। अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में कोई भी मौत नहीं हुई। सिंगापुर एयरलाइंस, जून 2016।
222 यात्रियों और चालक दल के 19 मेंबर्स के साथ सिंगापुर के मिलान के लिए निकले विमान की टेक ऑफ के 2 घंटे बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल पायलट को लगातार ऑयल वार्निंग मिल रही थी। हालांकि लैंडिंग के दौरान विमान में आग लग गई, लेकिन सब लोग बाल बाल बच गए। सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड सिंगापुर की फ्लैग कैरियर एयरलाइन है, जो सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे पर अपने हब के साथ है। एमिरेट्स, अगस्त 2016। भारत के तिरुवनंतपुरम से दुबई के लिए उड़ान भरने वाले एमिरेट्स का एक विमान हादसे का शिकार होते होते बचा। इसमें करीब 300 लोग सवार थे। दरअसल विमान के लैंडिंग गियर में कुछ खराबी आ गई थी। उतरने से पहले विमान के पहिए नहीं खुल पाए, लेकिन पायलट्स की सूझबूझ से विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि लैंडिंग के वक्त विमान में आग लग गई थी, लेकिन उसे काबू पा लिया गया। इस विमान में 226 इंडियंस सवार थे। ये संयुक्त अरब अमीरात की एक एयरलाइन है। रशियन एयरलाइंस, मई 2019। एशियन एयरलाइंस का विमान 78 यात्रियों को लेकर मॉस्को से मुर्मांस्क जा रहा था, लेकिन अचानक विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से विमान को वापस मॉस्को हवाई अड्डे के लिए लौटना पड़ा। लैंडिंग के दौरान विमान एक बार ऊपर की ओर उछला, जिससे उसमें आग लग गई। आग लगने से 41 लोगों की मौत हो गई, लेकिन 37 लोगों की जान बचा ली गई। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें।